कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और वहां पर जो विकास कार्य हैं उनको जन जन तक की पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर और वाराणसी का प्रस्तावित दौरा है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरी तैयारियों का जायजा लिया और निरीक्षण किया, जिसके बाद से पूरी तैयारियां सुनिश्चित हो चुकी हैं। अब 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर होंगे और बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी से करेंगे। यानी कि एक बड़ा संदेश पूर्वांचल के लिए दिए जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खास तौर पर अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से करेंगे। वहीं पर गोरखपुर स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। यानी कि एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से देंगे। वहीं पर उसके बाद वो वाराणसी से जाएंगे। वाराणसी में 12,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कि पूरे पूर्वांचल को एक बड़े विकास की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी, जिससे कि एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाए। क्योंकि अमूमन पहले की सरकारों की अगर बात की जाए तो यह देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में इतना विकास नहीं होता था जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। तो ऐसे में अब पूर्वांचल में भी बड़े स्तर पर विकास हो रहा है, यह संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े स्तर पर 7 तारीख को करेंगे और जिसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।